कौची कर रही है युगल? अंडा कली बनावा है अंडा कली बनावा है। अच्छा तो ये आज अंतिम दिन है ना हमने के हो बम्बई में हो? हाँ बम्बई में तो इस साल के अंतिम दिन है। हाँ बारा आगे के कौन जाना है देखल के? आगे के तो भगवानों ने जाना है ना, तो आज हमने गाड़ी धर भी कुछ दिन में मतलब कल है। हाँ मतलब 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा ना मतलब 24 घंटा कम है। हाँ यदि मैंने 20-25 मिनट कम होते आओ का वो सब तो ठीक है, लेकिन एक सवाल हमारा बड़ी तंग कह ले हो कौची भैया। तेरा जवाब हो तोरा पास तो जरी देवे कोशिश कर। पूछो ना कौन ऐसा सवाल है कि अगर जवाब हम दे सकलिए। अच्छा ट्राई करो तो बताओ पहले अंडा है कि मुर्गी? ये क्या बोल रहे हैं आप? तो बना ले अंडा तो जाना हूँ ना भाई। हम तो पहले अंडा खरीद के ले लेबा। अच्छा खाई के अंडा खाई खैर सवाल ही ना है, सवाल ये है हाँ कि इंडिया पर जो है पाकिस्तान तो हमला कर रहा है तो समाज में आवा है कारण होकर। लेकिन अब चाइना हमला कर रहा है तो समझ में आवा है कि चाइना वन बेल्ट वन वे वाला रोडवा करे कर चाह है। हाँ नेपाल का हमला कर रहा है और ही बताए और आप तनख्वाह बढ़वाना है। देखो ये बतिया तू कहते रहो नेपाल का हमला कर रहा है तो जर्मनी हंसिया भरा है समझना हूँ। हाँ कहे कि जो कहा जा रहा है कि घर के छोटकन जो लइकन हो ना है जैसे कि तू हूँ मतलब बड़ा हूँ तो हम तोड़ता में छोटा ही है तो कभी कभी तू हमारा नेपाल के तनख्वाह बढ़ावे तो बोल कि तनख्वाह बढ़ा दीजिए हमारा जो चौकीदारियन कर है चौकीदारी तो तनख्वाह बढ़ावे का भाई हम देवे तनख्वाह बढ़ावे प्यार से मिलजुल के रहे तूनी मर दे इतना बढ़िया तूनी नेपाली हमनी हिंदी नेपाली हिंदी भाई भाई असली है तब असली तब हमनी है हिंदी नेपाली भाई ये एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर तो रही है हो। हाँ जी तब तू ऐसे कर में बताए हमनी पोखरा उखरा जाए के पलान में नहीं लही तो लड़ाई झगड़ा कर देवी तो हमनी कैसे जीवे पोखरा छोड़ ना काठमांडू भी जा ले जी काठमांडू में सुना नहीं एकदम मजा उजा करल जाए एकदम तो काठमांडू जीती हला इसे इसे हमला वाला बात सुन के हमरा काठ मार दल के काठ मार दल हां त हमरा ना समझ में आ रहा है कि कहे बोल नेपाल के कश्मीर चाहिए हो। नेपाल के कश्मीर कौन मिलते तू कौन बात ये कर लो कि नेपाल के कश्मीर मिलते आई हो। अच्छा है जरी बताही तो तू ये बता तो। हाँ यार ये ढेर जाना है पूरा वर्ल्ड के इतिहास जाना है वर्ल्ड वार वन से लेकर वर्ल्ड वार फाइव तक सब पढ़ के बैठा ले। ये क्या बोल रहे हैं आप मतलब ज्यादा जाना है कि अतिशयोक्ति अलंकार लगा दिलिये। हाँ अच्छा उन्ने चला हमर प्याजा भुंगा आते वीडियो बनते तू बुझी ना मेरा से पूछ भी मेरा से बात कर भी बताओ ही बताओ क्या बताना है। नेपाल पे नेपाल का है हमला कर रहा है इंडिया पे मार गोली पर सहले है चौदह से किया है। हाँ इधर आ जाओ ये नेपाल हमला नहीं कर रहा इन नेपाल के भाने से चाइना हमला कर रहा है ठीक है। हाँ हाँ और क्या नेपाल हमला नहीं कर रहा नेपाल हमला नहीं कर रहा गोली नेपाल चला रहा है कंधा नेपाल का है। अच्छा गोली चाइना की है। ये क्या बोल रहे हैं आप मतलब ये तो कुछ भी बोल रहे हैं भाई कुछ भी का बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं तू ने प्याज भून तू देखे के लेनी का। हां मुझे पता है नेपाल कब से पड़ोसी आज पहली बार पड़ोसी बना है नहीं तो कितने दिनों पड़ोसी बने नेपाल। अरे बहुत पहले से पड़ोसी है पाकिस्तान से पहले यार नेपाल पड़ोसी नहीं है पाकिस्तान जिस दिन पैदा नहीं हुआ था जहिया से नेपाल पड़ोसी तो भैया नेपाल पड़ोसी नहीं नेपाल हम लोग का मतलब कहा जाए ना कि हिस्सा है मां ये बेटा के रिश्ता है नेपाल से ना जी माई और बेटा के ता इंडिया माय है। अच्छा और नेपाल बेटा हले की तरह के कहल को तू कहां पढ़ा नहीं कहल जा ले सब के कहां कहल जा ले जबरदस्ती ये क्या बोल रहे हैं आप जबरदस्ती का आओ का तू प्याज भून तू बता मां बेटा का कुल के कुछ नहीं क्योंकि कोई भी छोटा देश हो बड़ा देश हो सबका अपना वो रहता है स्वाभिमान रहता है स्वाभिमान रहता है। आप पर नहीं पाकिस्तान में कहते थे कोई वो करते थे तो ऐसा नहीं है ये बात। और दूसरी बात ये है कि यार ये तनख्वाह वाले भी तुम लोगों ने गलती कहा जैसे अगर इंडिया के लोग इंग्लैंड में जाकर अमेरिका में नौकरी करते हैं पर कोई इंग्लैंड से इंडिया का पंगा हुआ तो इंग्लैंड वाले ऐसे बोलेंगे भाई इंडिया वाले भी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो गलत बात है ना इंडिया वाले सुनेंगे नहीं। हाँ। लेकिन वो तो दरअसल मजाक के उसमें कहा था प्रपत्र में कहा था उसका किसी का मतलब किसी नेपाली का किसी की हाँ। भावना हट करना नहीं था। हाँ। अब देखी जाए तो नेपाली कहने से भावना हट हो जाएगी बिहारी हाँ। कहने से भावना हट हो जाएगी हाँ। लेकिन वो कहने का मतलब भावना हट करना नहीं होता हाँ। वो एक संबोधन है हाँ। कोई प्राउड फील कर लेता है अब ऐसे बोला जाट तो इंसान प्राउड फील करने लगता है मुझे जाट बोला किसी से कहते मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग हट हो जाते हैं एक जाति विशेष का नाम लेने से तो इस तरह की चीज है। और भाई सुनना वो भी बतिया ये कहे ना कि बिहारी कहे से जो बहुत लोग ले जाते हैं दिल पर ही पहले तो लड़ लोग छुड़िया खेल दियो लेकिन तुम जो सही बोल रहे हैं
ये सब फीलिंग प्राउड वाला बात है, तो ये बतिया तू दिल जीत ले। अब जाए हम प्याज चला भी जरे सुन, चाकू से प्याज चला रहे, यही वाला बात पैदा होले छोड़ा। हाँ तो मतलब यही है कि चाइना के बंदूक और नेपाल के कंधा। हाँ हाँ बिल्कुल यही बात है। चल तब ठीक हो, तो नेपाल के भी बेचारा के अब हम लोग को मदद करे पड़ेगा, है ना। हाँ नेपाल का ऐसे, और मेन बात ये ना कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर से कुछ था नहीं ना, कहाँ यार बिहार के आदमी सब ऐसी नेपाल घूम रहा है। ऐसा है कि दुनिया में जितनी भी बॉर्डर की समस्या है ना, उसमें से 90% ना इंग्लैंड ने की है, हर जगह। हाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान का अंग्रेजों ने किया, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया बांग्लादेश, मतलब सबका लगा ले तू, इसराइल फिलिस्तान यहाँ पर इराक ईरान किन्हीं का भी लगा ले, सबके पीछे इंग्लैंड है और अमेरिका है। चल सॉरी बोल दिया, कोई बात नहीं, चलता है। दिल्ली से है, नहीं है हरियाणा से, हरियाणा दिल्ली तो वही चलता है। लेकिन ढेर पर है वाली बात बताओ ना, तो ये है आदमी काम के हमारा आदमी। तो देखो लेकिन हमरा एक जरी मैंने कल का डर लगा हो गया जाना, कौन लगवे कर दी चाचा फूले के तू है माफ भोंक देंगे। हां हटा दे दियो ना। हां बोल, तो हम कहते ना युवा कि अभी इंडिया पर ही होने से चाइना हमला कर ले है। हां इनसे पाकिस्तान को कहीं कोई मिचाई कर दे ही रहा है, कुछ ना होते, चल ठीक रहते, महादेव रक्षा करते। बोला हरा हरा महादेव।